Next is your second part is subaerial stems. Now देखिए subaerial stems भी vegetative propagation करती हैं और 11th में हमने पढ़ी हैं तीन बड़ी important modifications हैं. तीन बड़ी important modifications क्या हैं? पहले चलिए हम पहले देखते हैं. Number one is runners. सबसे पहले हम runners को लेते हैं. अब runners जो इसका नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? क्योंकि it grows in multiple directions. ये multiple directions में कहीं भी चल जाती है, क्योंकि पढ़ने से पहले एग्जाम्पल का पता हो तो जल्दी समझ आता है. और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो बाहर घास लगी है, नाउ एग्जाम्पल हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इट इज डूब ग्रास. कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है, दैट इज साइनोडॉन डेक्टिवा. बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये साइनोडॉन डेक्टिवा. इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इट इज सेंटिना ग्रास. सेंटिना और ऑक्सेलिस, ये तीन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये याद रखिएगा. नैरो स्टेम्स होती हैं इनकी, पहली बात. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन इन कलर, ठीक है, एंड प्रोस्टेट ब्रांचेस. प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपने याद. दूसरी चीज यहां पे आपने याद रखने वाली चीज क्या है, क्योंकि इसको क्योंकि 11th में हम पढ़ चुके हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हिसाब से ही पढ़ेंगे. यहां एक और नंबर पे आपने याद रखना है कि जो भी रनर की स्टेम्स अराइज होती हैं या नया प्लांट अराइज होता है, दैट अराइजेस फ्रॉम नोड एरिया. अराइजेस फ्रॉम नोड एरिया, ठीक है. इंटरनोड एरिया जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज शॉर्ट. इंटरनोड एरिया क्या होगा? वो शॉर्ट होगा. ये पॉइंट्स आपने नोट करते जाइए, एरिया इज शॉर्ट. जो नोड एरिया है यहां से क्या निकलता है? एक बड, एक्सिलरी बड. सो एक्सिलरी बड कहां से निकलेगा? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बर्ड अराइजेस फ्रॉम नोड. क्लियर? फ्रॉम नोड हैविंग, इसके पास और क्या होगा? हैविंग स्केल लीव्स. क्लियर? पॉइंट्स क्लियर है? अब होता क्या है कि जब ये ग्रो करते हैं ना, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कैसे, जब ये सेपरेट हो जाते हैं, जब कभी भी इनको सेपरेट हो जाते हैं, ये अपनी इनके जो यंग प्लांट है वो सेपरेट हो जाता है, तो वो फैलना शुरू कर देता है. और आपने देखा ही होगा कि घास जो है वो कितनी जल्दी फैलती है. आप किसी भी एरिया में देखो, घास बहुत जल्दी फैल जाती है. रीजन क्या है उसका? रीजन है उसका ये नोड एरिया और इंटरनोड एरिया. और ये क्या है? ये रनर्स जो है ये ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं, लेकिन ग्राउंड छोड़ते नहीं, दे रिमेन अलोंग विद द ग्राउंड. आप कहीं भी घास देखो तो ग्राउंड के साथ ही जुड़ी हुई है. वो किस तरह से, देखिए हम यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेने की कोशिश करेंगे. जब हम यहाँ से ये देखिए, आप ये कोई हमारी ब्रांच चल रही है, स्टेम ब्रांच. अब होता क्या है, यहां से एक एक्सिलरी स्केल लीव्स निकलते हैं. ये स्केल लीव हो गया, और स्केल लीव के नीचे ही यहां पर क्या होता है? देयर इज अ बड, देयर इज अ बड. अब यही बड जब ग्रो करता है तो ये ग्रो किसमें करेगा? देखो, ये ग्रो करेगा इनटू ए ब्रांच ऑफ स्टेम अबाउट द ग्राउंड. थोड़ी सी घास ऊपर आएगी, क्योंकि ये ट्रू लीव्स तो होते नहीं है, टफ टफ लीव्स होते हैं,
देखो हेयर यहां से ऐसे निकलेंगे, देन इट मूव्स फर्दर, ये आगे की तरफ चलेगी, अगेन यहां पर कहीं जाकर फिर से क्या होगा, स्केल लीव्स एंड देयर इज ए बड इसके नीचे, और यहीं से आपको इसी बड से फिर क्या होगा, एक और ब्रांच निकल जाएगी। And in this way, it moves further. अब इसका ये जो एरिया है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, this is what, यहां से आपकी निकलेगी adventurous root from the node area. Adventurous roots कहां से निकलेगी बेटा, from the node area. और अब हम इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, these are adventurous roots. मैं इसको शॉर्ट कर लिखूंगा adventurous roots. This is the internode area. This one is the, हम इसको यहां से ऐसे कह लेते हैं, this is the node area जहां से ये adventurous roots निकल रही है. This one, this portion is basically node area. Clear बेटा? और ये क्या है, this is a very important example of runners. It runs in various directions. ये एक direction में नहीं चलती, जिस direction में जा रही है चलती जाएगी. इसका इंटरनोड छोटा होगा, याद रखिए इंटरनोड क्या होगा, स्मॉल छोटा होगा. क्लियर है ये साथी? और यही जब आगे जाके कहीं ये टूट जाए, ये टूट जाती है कहीं, जब टूटेगी तो एक नई ब्रांच आगे बनी होगी, नोड होगा, जमीन के साथ ये अटैच होंगे, आगे फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. और इसी तरह से क्या होता है, ये रनर्स काम करते हैं. क्लियर है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है? इसी तरह से आपने ये डायग्राम. अब दूसरी आती है रनर्स के बाद क्या आते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, इट इज, मैं कोशिश करूं यही पे मिटाऊं आज, इट इज स्टोलर. देखिए अब सिंपल सी बात याद रखिएगा कि तो स्टोलन्स और रनर्स में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क क्या है, सिर्फ इंटरनोड एरिया का. यहां आप देख रहे हो द इंटरनोड एरिया इज स्ट्रेट, आल्बो स्ट्रेट. यहां क्या होता है, हम, मैं बड़ी बार पढ़ाता हूं और ये कहता हूं, आर्क्ड स्टोलन्स, सॉरी आर्क्ड रनर्स आर नोन एज स्टोलन्स. आर्क्ड रनर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोलन्स बोलते हैं. बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी, और वो एग्जांपल क्या है, चलिए हम एग्जांपल भी ले लेते हैं. एग्जाम्पल है हमारी स्ट्रॉबेरी, वेरी फेमस, हम खाते भी हैं स्ट्रॉबेरी, ये याद रखिएगा. स्ट्रॉबेरी के साथ पेपरमेंट, जैस्मिन, ये बड़ी इसकी फेमस एग्जाम्पल्स है. अब इसमें आप जो कहा, देखो यहां पर भी क्या होगा, जो नोड एरिया है वहीं से एडवेंचर्स रूट निकलेंगी, वहीं से ब्रांच निकलेगी. लेकिन होगा क्या कि जो इसका जो इंटरनोड एरिया है वो आर्क्ड होगा, वो जमीन से ऊपर जाएगा, स्टेम जो है ऊपर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और जैसे ही क्या करेगी, क्योंकि ये वीक स्टेम है. प्रोस्टेट स्टेम्स क्या होती है, वीक स्टेम्स. प्रोस्टेट ब्रांच का मतलब क्या होता है, वीक ब्रांच. और इस तरह से जब ये वीक चलेगी, नीचे आएगी, जमीन के साथ जैसे टच करेगी, वहीं पे नोड बनेगा, वहीं से एडवेंचर शूट निकलनी शुरू हो जाएंगी. कैसे, चलिए हम देखते हैं यहां पर. अब देखिए ये हमें यहां मान लेते हैं, ये पहले, और यहां से क्या हुआ, यहीं से हमारा ये नोड एरिया है, ये बड आ गया, इसके नीचे यहीं से निकलेंगी हमारी एडवेंचरस रूट्स, और होगा क्या फाइनली, यहां से टफ टफ लीव्स इस तरह से निकलेंगे, और यहां पे मान लेते हैं ये इस तरह से टफ टफ लीव्स निकले, ग्रुप ऑफ लीव्स निकले,
अब होगा क्या, देखो यहां से जब ये आगे चलेंगे ये इस तरह से आग होंगे, और जैसे ही ये आग पोजीशन से सॉइल के साथ दोबारा टच में आएंगे, सॉइल के साथ दोबारा टच में आएंगे, यही वो एरिया होगा जहां पर क्या होगा, वेयर अगेन द स्केल लीव्स आर फॉर्म एंड ए एक्सिलरी बड इज फॉर्म्ड हियर। जैसे ये सॉइल के टच में आएंगे, दिस इज द सॉइल एरिया, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं, दिस इज द सॉइल एरिया, दिस इज द सॉइल एरिया, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ये टच में आएंगे द एडवेंचरस रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड एरिया, अगेन द ब्रांचेस और द स्टेम ब्रांच, और ये क्या होगी, यहां से फिर से लीव निकलने हो जाएंगे, इट अप फ्रॉम लीव्स अराइजेस हियर, फिर से यहां से आग चलेगी। तो ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है, This is the arced internode, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, We call it arced runners are known as stolons, और इनका भी काम क्या है, vegetative propagation, ठीक है, आप vegetative propagation ये automatic चल रही है, natural vegetative propagation चल रही है, अपने आप कहीं से टूटा अगली ब्रांच बनी है, फिर से स्टोलन बनेगा, फिर से आर्क बनेगी और प्लांट ग्रो होता रहेगा, क्लियर बेटा, क्लियर है सभी को। देखो घरों में पुदीना भी लगाते हैं, तो पुदीना भी तो इसी तरह से ग्रो करता है, तो याद है, क्लियर रहेगा ये सारी चीजें। अब इसके बाद तीसरी जो चीज आती है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नीट का एक एमसीक्यू आता है बड़ा, और आपके एग्जाम में भी आता है, और आपके एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, इट इज ऑफसेट। देखो ऑफसेट क्या होता है, इसकी जो मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो हमारी क्या है, पिस्टिया, पिस्टिया फ्लावर, और इसके साथ साथ वाटर हाइसेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इथॉर्निया। अब देखो ये जो ऑफसेट है, हम इसे क्या, इसकी एक हम कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, दिस इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग प्लांट, इसका सिर्फ एक ही इंटरनोड होता है, ये याद रखिएगा, इट इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग प्लांट, एक इंटरनोड होगा, और यहां क्या होता है, देर आर रोजेटे ऑफ लीव्स, द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ रोजेट, रोजेट मींस ग्रुप ऑफ लीव्स, रोजेट लीव्स, टफ ऑफ लीव्स होंगे, कैसे, देखिए हम यहां देखते हैं, चलिए हम यहां पे ले लेते हैं, अगर आप यहां से हमारी निकलेगी, यही बर्ड होगा, एडवेंचरस बर्ड भी यही होगा, और स्केल लीव्स, देयर इज द एडवेंचरस रूट्स, एडवेंचरस रूट्स के आगे ये इस तरह से चलेगा, और दूसरा जहां पर, यहां पर जो बर्ड होगा, यहां पर ये जो, यहां भी होगा, यहीं से आपको क्या है, एडवेंचरस रूट्स यहां से निकल रही है भाई। अब ये क्या है, इट इज वन इंटरनोड लॉन्ग प्लांट, इससे आगे नहीं होता है, ये इतना ही प्लांट होता है, इसीलिए इसको लिखा गया है वन इंटरनोड लॉन्ग प्लांट, जो दूसरा होगा जब आगे ग्रो होगा वो टूट जाएगा, फिर से दो ही नोड होंगे और एक इंटरनोड होगा, क्लियर है मेरी बात, ये दो नोड्स हैं, दिस इज वन इंटर नोड, दिस इज वन नोड, और जो एरिया बिटवीन द टू नोड्स इज इंटरनोड एरिया, और यहां से क्या निकलेंगे, देखो यहां से आपको इस तरह से आउट ऑफ लीव्स निकलेंगे,
और यहाँ भी इसी तरह से होंगे। आप देखते हैं तो ये क्या है, एक ही इंटरनोड है और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में करते हैं मदद, और ये बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये सेक्सुअल मेथड, उसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल आ रहा है। अब ये बड़ा फास्ट होता है। अब इसमें एक चीज तो याद रखने वाली, एग्जाम्पल तो याद होनी ही चाहिए। दूसरी यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये प्लांट, जिसको एनसीईआरटी में बड़े ही साफ शब्दों में लिखा है, वाटर हाइसेंथ। इट इज ऑल्सो नोन एज, रिमेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कॉच ऑफ वाटर बॉडीज, स्कॉच ऑफ वाटर बॉडीज और टेरर ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है। रिमेंबर दिस, इट इज नोन एज स्कॉर्ज ऑफ वाटर बॉडीज और टेरर ऑफ बंगाल। व्हाई? द सिंपल रीजन, याद रखिए आप, टेरर ऑफ बंगाल या स्कॉर्ज ऑफ वाटर बॉडीज क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल में इसको एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह पर लगाया गया था, क्योंकि इसके लीव्स और फ्लावर्स जो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इसको क्या, स्टेग्नेंट वाटर जो होते हैं, खड़ा पानी, लेक्स, वहां इसको, क्योंकि वाटर प्लांट था, एक्वेटिक प्लांट था, तो इसको वहां लगाया गया, बड़ा खूबसूरत था। अब हुआ क्या कि इसने अपनी ग्रोथ इतनी जल्दी की, क्योंकि वन इंटरनोड लॉन्ग था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से इसने इतनी ग्रोथ की कि इसने सारी की सारी ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडीज खींचना शुरू हो गया। इसका जाल फैल गया, इतना नेटवर्क बड़ा बना लिया इसने कि वो वाटर बॉडीज क्या थी, पूरी की पूरी इसी से भर गई। और ये इतना फैला पूरे इंडिया में, जहां भी स्टैगनेंट वाटर है वहां ये इसकी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बढ़ती जा रही थी। और बंगाल में क्या हुआ, मोस्टली द वाटर बॉडीज के अंदर जितनी भी फिशेस थी, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स थे और बाकी प्लांट्स थे, वो खत्म होने लगे, मरने लगे। वो रीजन था एस्फिक्सिएशन। Means loss of oxygen, deficiency of oxygen. मैं आपको कई बार कहता हूं कि मास्क कम लगाओ, क्यों? It leads to asphyxiation. Lungs pressure डालते हैं, lungs के ऊपर pressure पड़ता है और उससे क्या होता है, आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, ठीक है? तो कोशिश करो, अगर आप मास्क लगाते भी हो तो हल्का सा नाक के नीचे कर लो, ताकि आजकल खासतौर पर जब अकेले होते हो। अब इससे क्या हुआ, देखो वाटर बॉडीज में ये ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, और जब यूसेज कर रहा है तो वो क्या रहा है, फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाकी प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, एंड फाइनली सारी की सारी फिशेस जो कि बंगाल में मरना शुरू हो गई। तो इसको उसी बेस पर, ड्यू टू इट्स इमेंस क्वालिटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको क्या कहा गया, टेरर ऑफ बंगाल। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू बड़ी बार आता है, ठीक है? तो यहां तक हम रखते हैं, कल हम करेंगे द नेक्स्ट पार्ट, जो भी होगा इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट।